हम आपको गजानन की कृपा पाने के उपाय बता रहे हैं। ये भी माना जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि वास्तु दोष दूर करना का भी सबसे उत्तम प्रयोग है भगवान गणेश की साधना। भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार की हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो सकता है। कहते हैं भगवान गणेश के जन्म के समय भी वैसी ही घटना हुई थी जैसी राहु केतु के जन्म के समय हुई थी। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार गणेश जी की पूजा से राहु केतु की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। विशेष तौर से केतु ग्रह के नियंत्रक भगवान गणेश ही माने जाते हैं। कहते हैं कि केतु के प्रकोप से बचना है, केतु के प्रभाव से बचना है तो गणेश जी की नियमित पूजा करनी चाहिए, गणेश जी का नियमित स्तवन करना चाहिए, गणपत्य थर शीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, गणेश संकट स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति नित्य प्रति गणेश जी का मंत्र जाप करता है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता है, गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है और गणेश जी को प्रसन्न करता है तो केतु के सारे तापों से बच जाता है। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो सकते हैं। तो कैसे करें श्री गणेश की पूजा जिससे केतु होगा शांत और आपको मिलेगा जीत का वरदान। घर के पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखें। रोज सुबह उनके सामने घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। जहां तक संभव हो आचरण और व्यवहार में शुद्धता रखें। कलयुग में श्री गणेश की उपासना शीघ्र और निश्चित ही फलदायी है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका अंत गणपति की कृपा से ना हो। श्री गणेश की कृपा से आप वास्तु दोष से कैसे छुटकारा पाए और से देखिए। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति रखें। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण ना करें। एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखें। शयन कक्ष में भगवान की प्रतिमा बिल्कुल ना रखें और गणेश जी की तो बिल्कुल नहीं। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश प्रतिमा लगाएं, बाहर की तरफ कभी नहीं। पूजा के स्थान पर पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। रोज सुबह पूजा में गणेश जी को धूप अर्पित करें। जो आपके घर का मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार की घर के चौखट के ऊपर, दरवाजे के चौखट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को आपको लगाना, एक घर के बाहर की तरफ और एक घर के अंदर की तरफ दो गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कराना है। और ये ध्यान रखिए कि दोनों जो गणेश जी की प्रतिमा है उनकी पीठ आपस में जुड़ी रहनी चाहिए, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको अपने घर के किसी भी दीवार पे या फिर दक्षिण दीवार पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। अपने घर की दीवार पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, उससे भी आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और गणेश जी की कृपा बरसेगी। तो फिर तय मानिए कि बापा की आराधना और किए गए उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो गणपति की विशेष आराधना करके उनसे पा लीजिए मनचाहा आशीर्वाद और बना लीजिए अपनी जिंदगी को संपन्न। साथ ही पाए हर कार्य में विजय का वरदान। श्री गणेश की पूजा में इन उपायों को अपनाएं और सुखी संपन्न जीवन का आशीर्वाद पाएं। लेकिन बापा के पूजन के साथ ही जुड़े हैं कुछ विशेष नियम भी, आगे जानिए।